गाइस आप रेडमी पोको का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्रोम ब्राउज़र डुअल हो चुका है, सो उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से प्रॉब्लम आपके फ़ोन में हो रहा है तो आज की इस वीडियो को देखना गाइस, इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो उससे पहले मैं सेटिंग में जाकर दिखा दूंगा गाइस डुअल ऐप वाली ऑप्शन पर। सो जैसे कि देख सकते हो डुअल ऐप वाली ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र डुअल है ही नहीं। सो उसके बावजूद भी होम स्क्रीन में शो हो रहा है गाइस। सो आपके फ़ोन में भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो आज की इस वीडियो को देखना गाइस, इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा गाइस। सो ध्यान से देखना है, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, वरना आप नहीं कर पाओगे गाइस ध्यान से। सो इसको कैसे करोगे गाइस? सो इसको करने के लिए सिंपल सा चीज है गाइस, मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूं। सो आपको क्या करना है, आपकी फोन की जो सेटिंग है गाइस, जस्ट आपकी फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। सो सेटिंग ओपन करने के बाद जस्ट आपको फोन इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सो नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का, आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो उसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा डुअल ऐप्स, सो आपको जस्ट वहां पर क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हो क्रोम है ही नहीं, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो आपको क्या करना है, ऊपर में सेटिंग का बटन देख सकते हो, आपको सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो, पहले नंबर पे एक ऑप्शन है डिलीट डुअल ऐप्स अकाउंट करके। सो आपको जस्ट पहले नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ सेकंड का वेट मांगे, आपको वेट कर लेना। सो वेट करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, सो यहाँ वेट करने के बाद डिलीट वाली बटन पर क्लिक कर देना। एंड जैसे डिलीट वाली बटन पर क्लिक कर दोगे गाइस, आपके थोड़ी देर के लिए आपके फ़ोन रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, आपके फ़ोन थोड़ी देर के लिए रिबूट हो जाएगा। आपको थोड़ी सी वेट कर लेना। सो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना है गाइस। सो रिबूट होने के बाद जैसे देख सकते हो मेरे फोन ऑन हो चुका है। सो यहाँ भी देख सकते हो क्रोम ब्राउजर है। सो अभी क्रोम ब्राउजर है, डुअल एप्लीकेशन नहीं है गाइस, जैसे कि देख सकते हो गाइस, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है गाइस। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर देना।